अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम तुर्की में शानली उर्फा से 40 किलोमीटर दूर मकाम हर्रान में हैं और यहाँ पर हम एक ऐसा कुआं आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस कुएं के पास आए थे और यहाँ पर रुके थे। वो कुआं हम आपको दिखाने जा रहे हैं, नीचे शायद उतरने की अगर जगह होगी तो उतर कर भी आपको दिखाएंगे। मुख्तसर सा तारुफ भी लिखा हुआ जी, ये देखें आप, ये लिखा हुआ है। और ये वो कुआं है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यहाँ पर आए थे। चलें नीचे उतर कर जी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब ये कुआं है। ये हमारे भाई रहबर हैं और ये हमें नीचे ले जा रहे हैं। ये वो कुआं है, देखें ये कुएं का अंदर का हिस्सा है और इसी कुएं से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कभी यहाँ आकर पानी पिया है। यहाँ पर वो रुके हैं, देखें ये पानी है, देखिए पूरा पानी है, देखिए ये पानी है, अभी भी यहाँ से पानी जारी है। ये कुआं हम आपको दिखा रहे हैं, अभी भी यहाँ से पानी जारी है। हमारे रहबर भी बता रहे हैं कि इसको थोड़ा पी भी लिया जाए क्योंकि इसकी निस्बत नबी की तरफ है तो इंशाल्लाह इससे शिफा होगी, वो ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मुफ्ती साहब ये मुमकिन नहीं है पीना। बोलते जाओ कोई मसला नहीं, नहीं यहाँ पीना मुमकिन नहीं है ना, जगह नहीं है। अच्छा हाँ, फिसलने का डर है। बहुत अच्छा पानी बोल रहे, प्रॉब्लम आ गई मुफ्ती साहब। हमारी गुनहगार आँखें इस मुबारक कुएं के पानी को देख रही हैं और इसको अपने हाथों में भी लेंगे और इंशाल्लाह पियेंगे भी। मुफ्ती साहब थोड़ा सा मेरे हाथों में मिलाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक बार और माशाल्लाह व बारकल्लाह। इस कुएं के पानी को हमने पिया है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब ये कुआं है। चलिए साहब, अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनहगारों को इस बाबरकत और बाअज़मत जगह का दीदार नसीब फरमाया। हम अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करते हैं। आप सब हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसी तरह से बाबरकत जगहों के सफ़र हमारे जारी रखे ताकि हम भी देखें और आप लोगों को भी दिखाएं। अल्लाह का बेहद शुक्र हम अदा करते हैं कि आज हमने इस जगह को देखा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।